हेलो एवरीवन, आज मैं एक केस और शेयर करूंगा आपको। लास्ट मैंने कॉकुलस के बारे में बताया था। ये जो मेडिसिन है ये भी ऑब्जर्वेशनल ही मेडिसिन है। मैं ऑब्जर्वेशन इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक ऐसा वेपन है कि जो पेशेंट छुपा नहीं सकता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट बहुत सारी चीज़ें छुपा सकता है, रिवील कर सकता है वो बात, पर ऑब्जर्वेशन अगर आपका अच्छा है और स्ट्रांग है तो आप केसेस को आराम से पकड़ सकते हो और मेडिसिन दे सकते हो। तो ये केस मेरी 3 साल पुरानी केस है ये, और ये बच्ची अस्थमेटिक है, 7 साल की बच्ची है, 7 साल अप्रॉक्सीमेटली 4 साल सॉरी 4 साल की बच्ची है, 4.5-4 साल की है। इसको अस्थमेटिक है और इतना सीवियर अस्थमेटिक बच्चा है ये। इसको महीने में 4 से 5 अटैक आते हैं और इतना सीवियर अटैक आता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है क्योंकि अदर डॉक्टर से उसका रिलीव होता ही नहीं है। और फिर निमुलाइज कर लो, कुछ भी कर लो, उसको होता ही नहीं है। और हॉस्पिटल भी लेके भागने के बाद हॉस्पिटल वाले इसके कंडीशन देख के इसको लेते भी नहीं है क्योंकि ये इतना ब्रेथलेस रहती है और इतना कंजेशन रहता है। इसको देख के लगता है कि ये पेशेंट कभी भी सीरियस हो सकता है, इस डर से कोई हॉस्पिटल इसे लेता नहीं। और एक दिन मैं उसको शायद स्टेरॉयड और पंप, ऑलरेडी 2 पंप उसको चल रहा था अस्थमेटिक का, उसको चालू कर दिया और डॉक्टर ने बोल दिया 10-20 साल तो मतलब सोचो मत कि बच्चे की रिकवरी है। और ओकेजनली एक दिन इसको अटैक आया और मैं क्लिनिक में था और मदर भाग के सोची पहले निमुलाइज कर देते शायद वो अटैक रुक जाए, तो वो लेके आई मेरे क्लिनिक में और बच्चे को नीचे लिटा दिया। मैंने जस्ट बच्चा कंटिन्यू कफिंग कर रहा है और वॉमिट कर रहा है, आँखें बंद, वॉमिट करके फिर सो जाता, फिर आँखें बंद करके फिर सो जाता और फिर सो के ये करता कंटिन्यू, फिर कफिंग करता, फिर वॉमिट करता, फिर आंखें बंद करके सो के ये कंटिन्यू आंखें बंद करके ये जो कर रहा, ये जो बच्चा बार बार करता, फिर कफ करता, सीवियर कफिंग होता, फिर वो वॉमिट कर देता, फिर थोड़ा सा पानी पीता, फिर से कफिंग करता, फिर से सो जाता, फिर से ये कंडीशन ये कंटिन्यू, ये जो साउंड आ रहा है ना बच्चा, ये जो बच्चा कर रहा है यही चीज़ मैंने देखी। मैंने उसका चेस्ट ऑस्कल्टेट किया, देखा तो उसके चेस्ट एकदम कंजेशन भरा था, उसको बहुत एफर्ट्स लग रहा है सांस लेने के लिए। और इस कंडीशन में हम और तो कुछ पूछ ही नहीं सकते बच्चे से, पर ये जो बच्चा कर रहा था मुझे समझ गया कि ये बच्चा, मैंने सर से ये रूब्रिक सीखा था मैंने, और मैंने पहले भी ये रूब्रिक बहुत बार अप्लाई कर चुका हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे ये मेडिसिन मुझे उस टाइम समझी ये रूब्रिक के थ्रू। और जैसे ही मैंने वो मेडिसिन दिया और मेडिसिन देने के बाद 15 मिनट बाद बच्चा शांति से सो गया। उसके बाद 3 घंटा वो उठा नहीं, उसका ये जो साउंड था वो बंद हो गया, 3 घंटे से वॉमिटिंग नहीं किया, बच्चा सो गया। 3-3.5 घंटे बाद उठा, उसने थोड़ा खाया, उसके बाद से ये बच्चे को उसके बाद मुझे एक पोटेंसी बढ़ानी पड़ी, 30 से 200 करनी पड़ी। और उसके बाद ये बच्चा कम से कम 2.5 साल मेरे पास ट्रीटमेंट में रहा। उसके बाद उसको एक भी दिन उसको हॉस्पिटल भागना नहीं पड़ा जो पिछले 2-2.5 साल से वो भाग रहा था। तो ये दवा देने के बाद ये मैजिक जो उस बच्चे में हुआ, उसके बाद उसको किसी पंप की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो बच्चा एकदम टोटली फाइन हो गया। नाउ मेडिसिन तो अब बंद हो गया है। तो ये जो मेडिसिन है ये है बेलाडोना। बेलाडोना ऐसा करता है, ये रूब्रिक जो है जो कर रही थी ना, ये जो कर रही थी ना, ये एक रूब्रिक है हमारे पास, इसका रूब्रिक का नाम है मॉर्निंग विथ एवरी ब्रीथ। हर सांस में मॉर्निंग लेना, हर सांस में मौन करना, ये जो मॉर्निंग साउंड निकाल रहे ना, मॉर्निंग विथ एवरी ब्रीथ, सिंगल बेलाडोना है, सिंगल बेलाडोना रूब्रिक है। क्योंकि उस केस में ज़्यादा इंक्वायरी हम कर नहीं सकते बच्चों से, बच्चा जो दिख रहा है प्रेजेंटेशन हमारे सामने कर रहा है, बस वही एक की पॉइंट था। और उसी को सोच के मैंने उसे 30 पोटेंसी में बेलाडोना दिया। उसके बाद बच्चा 3 घंटे के लिए आराम से एकदम शांति से सो गया। उसके बाद से उसको अटैक नहीं आया। ये बच्चा, ये केस इतने सालों की आराम से 30 पोटेंसी में इजीली पेशेंट को आराम आ गया। एक 200 पोटेंसी इन बिटवीन मुझे लगी थी, उसको एक अटैक आया था माइल्ड सा, मैंने 200 देने के बाद वो केस सेटल हो गई। उसके बाद से इसको वो अटैक, अस्थमेटिक अटैक आज तक नहीं आया है, बच्चा एकदम फिट और फाइन है। तो ये बेलाडोना होते हैं, बेलाडोना प्लेफुल होते हैं और फेयरफुल चेयरफुल वो सब समझिए। और बेलाडोना उनको खेलना, कूदना, मस्ती करना, ये बेलाडोना की आदत होती है। बट एंग्विश में जब जाते हैं तो ये जो एंग्विश स्टेट होती है सर, एंग्विश की, तो ये एंग्विशनेस था इसके अंदर, एंग्विशनेस मॉर्निंग विथ एवरी ब्रीथ।
तो ऐसे ही मुझे एक केस और मुझे एक डॉक्टर ने कॉल किया था। एक आजी का केस था, एक 69-70 ईयर की ओल्ड लेडी है। उस सर ने बोला कि इसको सीवियर रिनल स्टोन का पेन हो रहा है। और मैंने बोला मेरी बात कराओ फ़ोन पे। तो उस लेडी से मैंने जैसे ही फ़ोन पे बात लिया तो उसने फ़ोन लिया और बोला, नमस्ते सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे बहुत पेटों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मैं सह नहीं पा रही हूँ सर, मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ तो भी करो, ये दर्द को निकालो, मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा सर, मैं पिछले 2 घंटे से दर्द में हूँ, जल्दी जल्दी से कुछ दवा दो। देखिए ये जो कर आप इसको कैच कर, यही पकड़ना है हमें, ये जो कर रहे, यहाँ भी यही रूब्रिक है, मॉर्निंग विथ एवरी ब्रीथ, दर्द सहन नहीं हो रहा है, सेंसिटिव टू पेन, और कैरी डिजायर टू फास्ट, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, पर मेरा मोटिव है ये जो रूब्रिक मैंने बताया है, मॉर्निंग विद एवरी ब्रीथ, ये एवरी ब्रीथ हर सांस में वो मौन करना, क्योंकि उन्हें दर्द पीड़ा वो बर्दाश्त नहीं होता है, सहन नहीं होता है, सेंसिटिव बहुत रहते हैं। तो ये दिस इज केस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ बेलोडोना। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और केस शेयर करूँगा। थैंक यू।